सना मकबूल और रणवीर शौर्य के मुद्दे पे क्या बोले हैं अनिल कपूर। मुझे एक बार फिर से यहाँ पे मेकर्स का और अनिल कपूर का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं बायस्ड नजर आया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ऐसा आ रहा है कि वीकेंड के वॉर पे सना मकबूल और रणवीर की बदतमीजी वाला यहाँ पे मुद्दा उठाया गया और दोनों को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से समझाया गया। यहाँ पे सना और रणवीर दोनों को बताया गया कि दोनों ने जो चीजें करी है वो बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही हैं, दोनों ही बदतमीजी के सारे लेवल क्रॉस कर चुके हो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे में, इस पॉइंट में रणवीर की भी काफी ज्यादा गलती थी। रणवीर ने भी सना के बारे में ऑफ द कैमरा, यानी कि सना के पीठ पीछे दीपक से और साई से बात करते हुए काफी सारी ऐसी चीजें बोली थी कि तो भाई ऑन द कैमरा मैं इसके साथ हूँ, ऑफ द कैमरा तो मैं इससे मिलूंगा भी नहीं। तो रणवीर ने जो चीजें बोली थी, क्या उन चीजों को इतना सॉफ्टली इग्नोर यहाँ पे किया जाना चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, पिछले 4 हफ्तों में लगातार सना मकबूल को बार बार टारगेट किया गया है। क्योंकि सना मकबूल की गलती जहां होती है तो सना मकबूल के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं और सना को बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार सना के साथ साथ यहां पे रणवीर की भी गलती है, तो इन दोनों को ही इजीली हल्के वे में डांटा नहीं गया है, क्लास नहीं लगाई गई है, बल्कि समझाया गया है कि देखो तुम दोनों ही यहाँ पे गलत नजर आ रहे हो। लैंग्वेज की जो बैरियर है, लैंग्वेज की जो सीमा है, वो तुम दोनों ने यहाँ पे लांग दिया है। सना मकबूल ने वहाँ पे अनिल कपूर को कन्फ्रंट करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं घर में बदतमीजी सब लोग करते हैं, पर रणवीर जो है वो बार बार ये तमीज वाला कार्ड खेलते हैं और बदतमीजी वाली बात वो करते हैं कि भाई साहब मेरे से आप तमीज से बात नहीं करते, कि भाई तुम्हें तो तमीज नहीं है बात करने की। तो सना मकबूल ने यहाँ पे ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं अगर रणवीर हमसे वो तमीज चाहते हैं तो रणवीर को भी हमें वो इज्जत, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि जब खुद पे आती है तो रणवीर ये बात बोलता है कि मैं तो सीनियर हूँ और इन लोगों को मुझसे बात करने की तमीज नहीं है और ये तो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते और मुझे अच्छे में ट्रीट नहीं करते। बट सेम रणवीर भी हमें अगर इज्जत नहीं देंगे तो हम रणवीर से तमीज से बात कैसे करेंगे? रणवीर ने भी हमसे बदतमीजी करी है तभी हम रणवीर से बदतमीजी करते हैं और मैं कहीं ना कहीं अब रणवीर को उस लेवल की इज्जत या रिस्पेक्ट दे भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे माइंड में क्लियर हो चुका है। तो सना मकबूल ने यहाँ पे काफी खुल के अपनी चीजें बोली है, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी बोला भी था कि अगर इस बार मेरी क्लास लगाई जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लूंगी। तो सना ने यहाँ पे अनिल कपूर के सामने अपना स्टैंड भी लिया है और एक्सपोज किया रणवीर को कि कहीं ना कहीं वो भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब सेम बिहेवियर उनके साथ होता है तो वहां पे वो अलग तरीके के नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं कि तुम लोग बदतमीज हो और सिर्फ तुम ही यहां पे बदतमीजी करते हो। पर यहां पे इन सारी चीजों के बीच में मुझे अनिल कपूर का जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। इन दोनों की क्लास नहीं लगाई गई, डांटा नहीं गया, बल्कि दोनों को ही समझाया गया। बेसिकली इस मैटर पे मिट्टी डालने की कोशिश की गई, क्योंकि क्यों, कहीं ना कहीं यहाँ पे रणवीर भी इस मैटर में गलत थे और अगर इस मैटर को और ज्यादा उठाया जाता तो यहाँ पे रणवीर की गलतियों को भी गिनवाना पड़ता। तो भैया कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, लेकिन एक बार फिर से रणवीर शौर्य के मुद्दे को यहाँ पे अनिल कपूर ने घुमाया है, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। बाकी गाइस आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।